हेलो एवरीवन, रीना किचन में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये कल की वीडियोस है, कल हम नहीं शेयर कर पाए थे आप लोगों के साथ में, पर आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप ना, ये मिठाई हमने बनाए थे कल नवरात्रि पे दुर्गा माता जी को भोग लगाने के लिए, तो सोचे आप लोग के साथ में भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी, वो भी 5 मिनट में। तो इसको बनाने के लिए हमने लिए 1 कप मिल्क पाउडर, फिर इसमें हमने ऐड कर दिए 1 चम्मच घी, फिर इसमें ऐड कर देंगे हम कुछ केसर के लच्छे। तो केसर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। तो केसर डाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे ना, जिस कप से हमने लिए थे मिल्क पाउडर ना, उसी कप से आधा कप हम लेंगे दूध। तो दूध एकदम रूम टेम्परेचर का रहेगा, गर्म है नहीं है, एकदम ना ही फ्रिज में इसका निकाला हुआ ठंडा दूध है। तो क्या करेंगे, दूध को अच्छे तरीके से मिल्क पाउडर से के साथ में मिक्स करेंगे। और इसको ध्यान रखना कि देखिए हमने गैस पर भी ऑन नहीं किए हैं, हम नीचे इस तरीके से ही कढ़ाई में डाल के और इस तरीके से मिक्स कर रहे हैं कि जिससे कि एक भी दूध में गुठलियाँ ना रहे, एक भी लम्स ना रहे। तो अगर आप गैस ऑन करके इस तरीके से अगर दूध डाल के मिक्स करेंगे ना, तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी और लम्स रह जाएंगे आपके दूध में। तो आप अच्छे से क्या करेंगे ना, इसको मिक्स करेंगे, देखेंगे कि जब अच्छे तरीके से दूध में मिक्स हो गया है, एक भी लम्स गुठलियाँ वगैरह नहीं है, तब आप इसे गैस पे रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये नवरात्रि के 9 दिन अच्छा अच्छा जो भी कुछ आदमी बना पाता है, हम लोग बना पाते, वो अपनी माता जी को भोग लगाते हैं हम लोग। तो आज वही रेसिपी है जो आप चाहें तो फटाफट, अगर आपके पास सुबह सुबह के भाग दौड़ के में टाइम नहीं मिलते हैं, तो आप ये 5 मिनट में मिठाई बर्फ़ी बना के आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप देख सकते हैं, मिक्स करने के बाद फिर हमने क्या किया ना, गैस को ऑन करके हम इसको रखे हैं। उसके बाद गैस ऑन करने के बाद देख सकते हैं कुछ ही देरों में, कुछ ही मिनटों में कलर जो है चेंज हो गया है, दूध जो है गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसको क्या करेंगे ना, इसी तरीके से हम मिक्स करेंगे और देखिए कुछ ही मिनटों में कलर वगैरह भी चेंज हो गया है। तो इसमें हम चीनी 1 चम्मच 12 चम्मच से ऐड कर दिए हैं। तो मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है, तो इसलिए चीनी आप अपने हिसाब से ऐड करें। तो हमने 1 चम्मच ही चीनी ऐड किए हैं इसमें, और चीनी डालने के बाद इस तरीके से देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिए हैं। आपको मैं बता दूं कि मुश्किल से ये ना, आप ऐसे मेरे को वीडियो शूट करने में पूरा 10 मिनट लगे थे, तो आप अगर इस तरीके से बनाते हो ना, तो फटाफट क्या होगा ना, ये आपका 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे ये बर्फ़ी बनाने में, और बहुत ही सुबह झटपट बना के आप ये बर्फ़ी तैयार कर सकते हो। और यकीन मानिए, मिल्क पाउडर तो ऐसे काफ़ी घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, खास करके मेरी बेटी जो है छोटी सानवी, उसको बहुत ज़्यादा सूखा मिल्क पाउडर भी पसंद है। तो उसके लिए अक्सर हम मिल्क पाउडर घर में रखते हैं, तो कोशिश करते हैं कि मिल्क पाउडर जब उसे पसंद भी है तो मैं उसी चीज़ से कुछ अच्छा अच्छा रेसिपी बनाऊँ और आप लोग के साथ में शेयर करूँ। तो थी नवरात्रि, तो कल पनीर वगैरह नहीं आ पाया था, तो हमारे कहते हैं ना दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो हमने सोचा चलो मिल्क पाउडर से ही बर्फ़ी बना लेते हैं फटाफट, जो कि हम माता रानी को भोग लगा सके। तो देखिए इकट्ठा हो गया है ना, तो हमारा रेसिपी तैयार है मिल्क पाउडर बर्फ़ी बनने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे ना, एक प्लेट ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इस तरीके से ब्रश से फैला देंगे, और जो हमने बर्फ़ी के लिए मिल्क पाउडर को इस तरीके से बना के रखे हैं, वो इसमें हम इस तरीके से लेके और प्लेट के ऊपर ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये जो है ना, आपका होममेड जो बर्फ़ी है बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप मेरे कहने से ज़रूर से ट्राई करिएगा एक बार, यकीन मानिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होंगे और बिल्कुल टाइम नहीं लगेंगे, एकदम पता भी नहीं चलेगा कि कब बनाएं आप, कब बन भी गया, इतना अच्छा बर्फ़ी बन के आपका तैयार होगा मिल्क पाउडर से। तो क्या करेंगे ना, इस तरीके से हम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे सारे पलटा वगैरह में जो चम्मच में लग गए हैं उस तरीके से, और अच्छे तरीके से इसको हम सेट होने के लिए रखेंगे। तो सेट होने के लिए फ्रीज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही नॉर्मल बाहर भी रख दोगे तो अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे, आधा से एक घंटा लगेगा और आपका जो है ना बर्फ़ी सेट होके तैयार हो जाएगा। तो आपको फ्रीज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। तो हम यार क्या करेंगे ना, इसको अच्छे तरीके से दबा के और अच्छे से सेप दे देंगे, बराबर चिकना कर देंगे कि जो बर्फ़ी है वो अच्छी से सेप में बन के तैयार होंगी हमारी। तो क्या करेंगे ना, इस तरीके से हम सेप दे देंगे,
तो अगर आप लोगों को अगर आज की हमारी जो रेसिपी है पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर से करें कैसी लगी ये रेसिपी आप लोगों को। तो इस तरीके से हमने बैठा के छोड़ देंगे ढक के 1 घंटे के लिए, जितना आपके पास टाइम हो, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, लेकिन 30 मिनट में लगभग ये सेट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 30 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारी जो बर्फ़ी सेट हुई है या नहीं। तो ये देखिए, आप सुबह के टाइम उठिए, फटाफट नहाइए और बर्फ़ी की तैयारी करके इस तरीके से रख दीजिए। बर्फ़ी बन जा के सेट होता रहेगा, तब तक और भी कोई काम कर लीजिए, तब तक आपका बर्फ़ी जो है बन के एकदम से तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, हम आपको निकाल के कट करके दिखा ही दिए हैं, और आपको अब हम कट करके दिखाने के बाद इसको निकाल के भी दिखाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी जो है आपका बन के मिल्क पाउडर से तैयार होगा, और पता भी नहीं चलेगा किसी को कि आप मिल्क पाउडर से बनाए हो अगर किसी को नहीं बताते हो। तो इस तरीके से आज की जो रेसिपी है पूरी हुई है हमारी। तो कल फिर आप लोगों के साथ में हम शेयर करेंगे कि अब हम क्या बनाए हैं माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो कल फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए हम चलते हैं भोग लगा लेते हैं माता रानी को, और आप भी बनाइए और अपने माता रानी को भोग लगाइए और इंजॉय करिए। ये देखिए, अब चलते हैं माता रानी को भोग लगाने की तरफ हम। तो कल फिर नेक्स्ट